हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 लेसन नंबर 1, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर दिस चैप्टर। सो पूरा क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है, आंसर देख सकते हो। कौन सा कंपोनेंट सेलुलर न्यूक्लियस का लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं? सो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, बनाते हैं न्यूक्लियस एसिड्स प्रोटीन्स। ओके, सो प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स आर द कंपोनेंट्स दैट कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी? तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, इसका यहाँ पे आंसर पूरा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच आर द कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स में? सो यहाँ पे देख सकते हो, टू हेलिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर्स। जो भी चैप्टर्स यहाँ पे आपको डाइजेस्ट का प्रोवाइड किया जा रहा है वो सब आपके कमेंट्स पे है। ओके, सो जिस तरीके से जिस भी चैप्टर्स के कमेंट्स आते हैं वही बनाया जाता है आपके लिए, वही प्रोवाइड किया जाता है। सो पहले से सारे बने नहीं हुए हैं तो आप देख सकते हो, 7th 8th का बना हुआ है, फिर 5th का बना हुआ है, और अभी मुझे फर्स्ट चैप्टर का आया कमेंट तो मैं फर्स्ट का यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे वीडियोस बन रहे हैं। क्या मीनिंग है जेनेटिक डिसऑर्डर्स और उसके दो डिसऑर्डर्स के नाम बताने? तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ये यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट वाइज। डिसऑर्डर्स ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स, यहाँ पे देखो दिया गया है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ओके, सारे आंसर देख सकते हो। मोनोजेनिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू म्यूटेशंस, तो इसका आंसर देख सकते हो यहाँ पे। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, इसके भी आंसर देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, 10th के 4 जो आपका यूनिट 4 है वो भी कंप्लीट कर दिया है मैंने, और यहाँ पे मराठी के भी कुछ चैप्टर्स अपलोडेड हैं, जो जो चैप्टर्स आपने बोले हैं। आगे जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे जिस जिस चैप्टर्स के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अभी। ये सारी चीज़ें तो आपकी टेक्स्ट बुक की हैं, हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सो क्या फंक्शंस होते हैं अपेंडिक्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है? तो यहाँ पे देख सकते हो, फंक्शनलेस और वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। ठीक है, फंक्शनलेस है, कुछ काम नहीं करता। आर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड? सो ये तो हमें पता है, बिल्कुल भी वो यूज़फुल नहीं होता है, जो लास्ट के अक्कल के दांत बोलते हैं हम उसको। वाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट, क्यों वो गायब हो गए? तो यहाँ पे देखो दिया गया, वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, विच दे वर ट्राइंग टू सर्वाइव, यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और बिगनिंग उनका जो था आइस एज, विच रिजल्टेड टू स्कार्सिटी ऑफ फूड, तो फूड की कमी हो गई, स्टारवेशन यानी अकाल पड़ा। सो ये सारे कुछ रीज़न हैं जो कि उनकी विलुप्ति का कारण बना। अकॉर्डिंग टू थियोरी, मेट्योर कोलाइडेड विद द अर्थ एंड दिस रिजल्टेड इन, ये भी कहा जाता है कुछ लाइक कोलिजन हुआ, कुछ ऊपर से गिरा, जो मीटियोर होते हैं वो गिरा और उसकी वजह से भी वो मर गए। वाई आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट, बहुत सारे जो स्पीसीज हैं एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? तो यहाँ पे देखो, जो तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट जो हैं उनको खतरे बढ़ रहे हैं एनिमल्स और बर्ड्स को, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सारे मारे जा रहे हैं। जो फूड की कमी हो रही है, शेल्टर की कमी हो रही है एनिमल्स और बर्ड्स को, उनकी वजह से ये मारे जा रहे हैं। जो हंटिंग हो रही है बड़ी तादाद में, हाई लेवल पे पोचिंग हो रही है उनकी, उसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज़ गायब होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ये भी पूरा पेज मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ।
विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या अलग अलग उनके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग. तो यहाँ पे देखो दिया गया है हायर ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम. यहाँ पे आप देख सकते दिया गया है स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लीवर होता है, किडनी होता है. ये सब ऑर्गेनिजम्स को सबसे यूजफुल ऑर्गन्स क्या है वो बताना है. तो यहाँ पे देखो दिया गया है कार्बन डेटिंग. आपको पता ही है टेक्निक होती है जो फॉसिल्स हैं कितने साल पुराने हैं वो बताने के लिए. क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं. डार्विन ने जो बुक पब्लिश की है उसका क्या टाइटल है वो यहाँ पे दिया गया है. तो आप देख सकते हो इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके यहाँ पे सबके आंसर्स हैं. ये रहे सो इसका राइट ऑप्शन और इसका ये है. नेक्स्ट पे आते हैं. अभी हम देखते हैं थर्ड का. यहाँ पे देखिए ट्रांसफर यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है. थर्ड का क्या है सी. ओके फोर्थ का भी आप यहाँ पे टिक मार्क भी किया हुआ है और यहाँ से भी आंसर देख सकते हो दिख रहा है. ओके राइट ऑप्शन है बी इसका डी. ओके थर्टीन का सी है. 14 का भी यहाँ पे सी है. सबका आंसर यहाँ पे देख लो दिया गया है. ओके मैं आपको एक बार पूरा पेज दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. ट्रू और फॉल्स यहाँ पे साथ साथ में आंसर दिए गए हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
सारे मैच द फॉलोइंग के आंसर के नीचे उसके नीचे ही दिए गए हैं, आप सारे देख सकते हो। ऑड वन आउट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर साथ में नीचे दिख रहे हैं सारे के सारे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो दिया गया है और उसका जो आंसर है यहाँ पे दिया गया है। डेफिनेशन बताना है आपको, हेरिडिटी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन सारे इजी हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके बताती हूँ। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो। ये डार्विन का जो वर्क है एवोल्यूशन जो उसने थियरी दी हैज़ बीन अ माइलस्टोन, तो ये हमें पता है कि उसने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज दी एवोल्यूशन पे। ये चीज़ें आपको पता है होंगी, ठीक है, कि किस तरह स्पीसीज की ओरिजिन हुआ, ये कैसे एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे करके, करोड़ों साल लग गए इसमें, ये तो बहुत हम सब जानते हैं इस थियरी को। जैसे कि उसने बताया किस तरीके से जो जिराफी गर्दन लंबी हो गई, कैसे इंसान ऐप से कैसे इंसान बना धीरे धीरे, कैसे पहले एक मतलब किस तरीके से पहले सिर्फ मतलब कि एक सेल का पहले सिर्फ हुआ पानी में एक जो बैक्टीरिया या इस तरीके से, फिर धीरे धीरे कैसे एवोल्यूशन हुआ, वो सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं, इसी तो आपको पता ही है। और उसने बताया किस तरीके से, देखिए ये भी एक थियरी है, वर्टिब्रेट्स किस तरीके से धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट्स स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, मतलब इनवर्टिब्रेट्स से वो धीरे धीरे किस में हो गए वर्टिब्रेट्स में। तो कार्बन डेटिंग मेथड जब यूज़ हुआ और जब फॉसिल्स की एज देखी गई तो ये समझा गया कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जो अभी आज अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इनवर्टिब्रेट्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ मच बिफोर द वर्टिब्रेट्स। ओके, ये वो लगे है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इंसानों के जब रिलेशन हुआ तो क्लाइमेट कैसे स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड बिकमिंग ड्राई, और इस रिजल्ट क्या हुआ कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, ऐप्स क्या करने लगे विच वर और अर्बोरियल यानी जो पेड़ रहते थे वो क्या वो वॉक करने लगे ज़मीन पे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इस तरीके से किस तरीके से इंसान ऐप से इंसान बने हम, वो चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और ईजी हैं। मैं लेकिन यहाँ पे मैं सब एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप देख ही रहे हो कितने सारे क्वेश्चन हैं। ये आपकी हेल्प के लिए है, जस्ट आपकी बुक कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप अपना नोट्स तैयार कर सकें, लर्न कर सकें, एग्ज़ाम टाइम आप इसे समझ सकें। पढ़ाई तो आपने की होगी ये सारी चीज़ें, बट अगर आपको चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर का ही एक्सप्लेनेशन,
सो जस्ट टू कॉमेंट सेक्शन आपको बताना है, आपने कॉमेंट किया कि आपको जस्ट आंसर्स चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। मैं कुछ भी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ह्यूमन रिवोल्यूशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो, बोला गया 7 करोड़ साल पहले यहाँ पे इंसानों की उत्पत्ति हुई। तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या है वो एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेंट्रल डोगमा क्या है वो यहाँ पे दिया गया है, देखिए। यहाँ पे देखिए ट्रिपल कोडन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है बट सारे वर्ड्स दिख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो इसे। ये यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको क्वेश्चन रेफर करने से, अब इसका आंसर बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगा, तो आप ढूंढिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी जो हम देखिए उसमें ही मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया, कब ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार और एग्ज़ाम में आ चुका है, वो यहाँ पर ब्रैकेट में उसका डेट ईयर भी दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस और करके जो पूछे गए, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकता है। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं, जैसे मैंने देखा अपेंडिक्स है, ओके, जो विजडम टीथ है वो है, ठीक है, जिसका कुछ काम नहीं है बट वो है हमारी बॉडी में, जो टेल बोन है, ठीक है, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं, जो बॉडी के हेयर हैं वो कुछ काम नहीं करते। मॉडर्न मैन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हो कितना इजी दिया गया है, ये किस तरीके से ये हुआ है, सारी चीज़ें ये बताया गया है यहाँ पे।
यहाँ पे देख सकते हैं 2020 नवंबर में ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी यहाँ पे देखो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर में जो हमने देखा उसमें देख लीजिए इसका आंसर दिया गया है। आंसर जब रिपीट होता है तो रेफ़र करने के लिए बोल देता है यहाँ पे। इवोल्यूशन की थियोरी क्या कहती है यहाँ पे देखिए दिया गया है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा है इसमें। सो आप देख सकते हो कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करती तो कितना टाइम जाता है, इसलिए फटाफट आपको ये मुझे ये शो करना पड़ रहा है सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको। ये पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ में से सारे आंसर आपको जो अंडरलाइन है वो आपके आंसर्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो ये जो ब्लैंक हैं वहाँ पे आपको आंसर्स फिलअप करने हैं, देख सकते हो आंसर्स। पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसके आंसर्स देने हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए ये लैमार्क ने दिया है प्रिंसिपल, ठीक है। डार्विन ने तो दिया था वो वाला जो ऐप से हुआ जो एवोल्यूशन, ये तो लैमार्क ने दिया था, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब मैंने ये बताना चाहता था कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, जैसे इसका भी तो एवोल्यूशन ही हुआ ना इससे फिर ऐसे, बट ये दिया किसने, लैमार्क ने दिया।
बच्ची उसकी गर्दन लंबी क्यों हो जाती है? सो यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, काफ़ी लेंदी चैप्टर है और हर चैप्टर ही ऐसा है। सो आपको पता ही है कि सेवन्थ आते आते कितना लेंदी चैप्टर हो जाता है, सेवन्थ एट नाइन, और जैसे हम क्लास बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, पोर्शन भले से चैप्टर्स कम रहते हैं बट लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हेल्प के लिए ही हैं, आप लिख पाओ अच्छे से, कंप्लीट कर पाओ बुक अपनी। तो मेहनत तो है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक्सप्लेनेशंस के चाहिए वीडियोस तो आप वो भी कमेंट कीजिए, बताइए, तो वो भी मिल जाएगा। ओके।